हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। चंदू चैंपियन की स्क्रीनिंग में अनन्या पांडे का दिखा ग्लैमरस अवतार। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज पर गुजरात हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक। ट्रेलर रिलीज होते ही कल की 2898 AD विवादों में। सिंघम अगेन की रिलीज डेट को लेकर अजय देवगन ने दिया सॉलिड अपडेट। और पुष्पा 2 के कुछ सीन्स को फिर से क्यों किया जा रहा है शूट, सब जानेंगे यहाँ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे बीती शाम कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन की स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनी थी। कार्तिक की फिल्म की स्क्रीनिंग पर अनन्या ने अपने स्टाइल और स्माइल से लाइमलाइट बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान अनन्या ने ग्रे कलर की कट स्लीव ड्रेस के साथ लाइट मेकअप कैरी करके अपना लुक कंप्लीट किया था। सनाया कपूर भी स्टाइल के साथ कार्तिक आर्यन की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची थी। तो वहीं ऋचा चड्ढा भी बेबी बम के साथ कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन की स्क्रीनिंग में पहुंची थी। तो नजरें रुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन पर, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन था कमाल का। विद्या बालन ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। तो वहीं सुनील शेट्टी भी नजर आए, यहाँ उनके बेटे भी उनके साथ ही नजर आए। अपने डैशिंग लुक से दोनों ने ही कमाल कर दिया। एक्ट्रेस अलाया एफ ने भी चंदू चैंपियन की स्क्रीनिंग पर अपना ग्लैमरस लुक फ्लॉन्ट किया। टाइगर श्रॉफ और सनी कौशल ने भी कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन की स्क्रीनिंग पर शिरकत की। वहीं सनी कौशल की खास दोस्त सर्वरी भाग का भी स्क्रीनिंग पर कमाल बवाल अवतार देखने को मिला। आपको बता दें फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में एक बार फिर से कार्तिक आर्यन का दिख रहा है नया अवतार। आमिर खान के बेटे जुनैद खान फिल्म महाराज से डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। अब गुजरात हाईकोर्ट ने महाराज की रिलीज पर 18 जून तक रोक लगा दी है। फिल्म अपने कंटेंट के कारण विवादों में घिरी हुई थी। महाराज फिल्म के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराज 14 जून को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली थी, पर 13 जून को फिल्म के रिलीज पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। महाराज पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म वैष्णव समुदाय के एक धार्मिक प्रमुख के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में VHP ने अदालत से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अपील की थी, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कल की 2898 AD का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की चर्चा हर ओर है, लेकिन कोई बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म हो और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब कल की 2898 AD भी सवालों के कटघरे में है। इस फिल्म पर एक आर्टिस्ट के आर्ट वर्क चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है। कल की 2898 AD के ट्रेलर का शुरुआती सीन है, जिसमें एक डायस्टोपियन शहर दिखाया गया है। इस सीन पर साउथ कोरियाई आर्टिस्ट सुंग चोई ने आरोप लगाया है कि ये आर्ट वर्क उनकी परमिशन के बिना निर्माताओं ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट और अपना खुद का काम पोस्ट किया, जो 10 साल पहले प्रकाशित हुआ था। दोनों ही फ्रेम एक दूसरे के रेप्लिका लग रहे हैं। सुंग ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि निर्माताओं ने उनसे परमिशन लिए बिना उनका काम लिया है। सुंग द्वारा काम की नकल करने का आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनके समर्थन में आगे आए हैं और फिल्म निर्माताओं की आलोचना कर रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने अपनी अगली फिल्म सिंघम अगेन के बारे में नया अपडेट शेयर किया है। दरअसल एक्टर ने गुरुवार को मुंबई के जुहू में मीडिया से बातचीत की। जब मीडिया ने अजय से पूछा कि क्या सिंघम अगेन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी, तो अजय ने जवाब देते हुए कहा कि फिल्म पर अभी कुछ काम बाकी है, हमें कुछ पार्ट्स की शूटिंग करनी है। उन्होंने आगे बताया कि एक बड़ी फिल्म है और हम जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि जल्दबाजी में काम अक्सर खराब होता है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के बाद डायरेक्टर रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन पुलिस यूनिवर्स की 5वीं और सिंघम फ्रेंचाइजी की 3री फिल्म है। यानी ये फिल्म 15 अगस्त को शायद ही रिलीज हो। जो भी हो, पर जब भी रिलीज होगी तो धमाल ही करेगी।
और पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, पर अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की रिलीज में थोड़ा और टाइम लग सकता है, क्योंकि निर्देशक फिल्म के कुछ सीन्स को फिर से शूट कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन देश भर में काफी पसंद किए जाते हैं। पुष्पा 2 को लेकर उनके और रश्मिका मंदाना के फैंस काफी उत्साहित भी हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाया जा सकता है। दरअसल फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने कुछ सीन को फिर से डिजाइन किया है और फिलहाल वो उन सीन्स को फिर से शूट करने में बिजी है। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में तेजी से हो रही है और शूटिंग को पूरा करने के लिए कई यूनिट्स को तैनात किया गया है। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बाकी तमाम अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।